अब एयरफोर्स वन जैसे विमान में उड़ेंगे पीएम और राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले एयर इंडिया वन को अब और अधिक अत्याधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका और भारत के बीच एक समझौता हुआ है। अमेरिका भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने जा रहा है। भारत के अनुरोध पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 2 बोइंग 777 विमानों की विदेशी मिलिट्री सेल को मंजूरी दे दी है। यूएस $190 मिलियन करीब 1360 करोड़ रुपए की इस डील के तहत भारत की एयर इंडिया वन को 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। CSCA के मुताबिक ट्रंप सरकार ने 2 रक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर लैरकेम और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स SPS की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह तकनीक अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यूज किए जाने वाले एयरफोर्स वन में लगी हुई है। लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर लैरकेम तकनीक विमानों पर मिसाइलों के हमले को रोकने में सक्षम है। अमेरिका का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत सरकार ने लैरकेम और SPS प्रणाली देने के लिए उससे अनुरोध किया था। इन 2 बोइंग 777 विमानों को दुनिया भर के अंडर बास्ट सिक्योरिटी सिस्टम जैसे मिसाइल वार्निंग काउंटर मेजर डिस्पैचिंग सिस्टम और इनक्रप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अगर इन विमानों में प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति के चर्चित फ्लाइंग ओवल ऑफिस जैसे ही हाईटेक होंगे। इससे पहले 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने लैरकेम सिस्टम को अपने C-130J के लिए खरीदा था। लैरकेम कार्यक्रम का उद्देश्य बड़े विमानों को मैन पोर्टेबल या कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों से बचाना है। लैरकेम सिस्टम लगाने से विमान के क्रू को मिलने वाला वार्निंग टाइम बढ़ जाता है और फॉल्स अलार्म रेट घट जाता है। इसके अलावा विमान खुद ही एडवांस्ड इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम का जवाब खुद ही दे सकता है। इसमें क्रू मेंबर्स को कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है। इसके लिए क्रू को किसी प्रकार की हरकत करने की भी जरूरत नहीं होती है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी ने अपने पेट्रोल जेट और CH-53 सुपर हेलीकॉप्टर के लिए शुरू किया था। जनवरी 2018 में ही ये दोनों विमान भारत को मिल चुके हैं। फिलहाल ये दोनों विमान अमेरिका की बोइंग डिफेंस कंपनी के पास हैं, जहां इन्हें एडवांस और लेटेस्ट सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के अंत तक ये दोनों भारत आ जाएंगे। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA ने बुधवार को कहा, इस प्रस्तावित डील से अमेरिका की विदेश नीति के साथ साथ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा। भारत जैसे मजबूत डिफेंस पार्टनर की सुरक्षा बढ़ाकर दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नया मुकाम मिलेगा।